राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठों का आदर्श वाचन। प्रस्तुत है पाठ वह आदमी जिसने आखिरी तीर चलाया। आप सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते ही हैं। उससे 2 साल पहले की बात है। उस समय विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग जगह जगह भड़क रही थी, किंतु अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने में संथाल परगना और बीरभूम के निवासी संथाल लोगों ने जिस वीरता और बलिदान का परिचय दिया वह बेमिसाल है। ये आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ इतने भयंकर रूप से उठ खड़े हुए थे कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना तक न की थी। संथालों ने प्रण कर लिया था कि वे अंग्रेजों की हुकूमत अब और अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे हर हालत में आजाद होना चाहते थे। आजादी आसानी से नहीं मिलती, इसे पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए ये लोग जी जान से तैयार थे, लेकिन लड़ने के लिए इनके पास धनुष बाण के सिवाय और था ही क्या। ये लोग बहुत अच्छे तीरंदाज थे। अगर ये चाहते तो घात लगाकर अंग्रेजों को अपने तीरों का निशाना बना सकते थे। यह भी हो सकता था कि अंग्रेज भयभीत होकर स्वयं ही उनका इलाका छोड़ जाते, किंतु इन आदिवासियों की अपनी एक विशेषता थी, छिपकर वार न करना। यह इनकी परंपरा के विरुद्ध था। अतः इनके पास केवल एक ही रास्ता था, अंग्रेजों से आमने सामने का युद्ध। हमारे ये देशवासी घने जंगलों में रहते थे। स्वभाव से ये बड़े ही कोमल, विनम्र, सहनशील और धैर्यवान थे।
विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठानी ही थी। जब अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। बात यह थी कि सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने संथालों को कुछ भूमि पट्टे पर दी थी। इस भूमि के लगान के रूप में इन संथाल भाइयों को उन दिनों 2000 रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। आजकल के हिसाब से यह रकम लाखों रुपए होगी, लेकिन अंग्रेजों का पेट लगान की इतनी भारी रकम से भी जब नहीं भरा तो उन्होंने कुछ साल बाद इस रकम को बढ़ाकर 44,000 रुपए कर दिया। तब भी अपने इन संथाल भाइयों ने उफ तक नहीं की। वे अपना पेट काट काट कर अंग्रेजों को यह रकम भी चुकाते रहे। जब उनके पास धन का प्रबंध नहीं हो पाता था तो वे लोग ऋण लेने के लिए जमींदारों के दरवाजे खटखटाते थे। उन दिनों जमींदार लोग भी इतने अधिक सूदखोर होते थे कि कर्ज ऋण के 100 रुपयों पर 500 रुपए तक का ब्याज वसूल कर लिया करते थे। जब तक अपने ये संथाल भाई उधार की रकम चुका नहीं पाते थे तब तक कर्ज के बदले इन्हें जमींदारों के खेतों खलिहानों में मुफ्त में काम करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कर्ज लेते थे दादा पर दादा और बेगार भुगतते थे नाती पोते। लेकिन आखिर जुल्म सहने की भी तो कोई हद होती है। पहले तो भूख और उस पर अंग्रेजों के जुल्म, ये दोनों मिलकर उन्हें मारे डाल रहे थे। मरना तो उन्हें था ही, लेकिन उन्होंने भूख से मरने के बजाय लड़ते लड़ते शान से मरने का फैसला किया। घने जंगलों वाले संथाल परगना और बीरभूम जिले में रहने वाले लगभग 50,000 आदिवासी एक साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालयों को चुन चुन कर जला डाला। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ क्रूर जमींदारों को भी मार डाला गया। अब तो वे आदिवासी प्रसन्नता से नाचते हुए आजादी के गीत
गाने लगे, हम सब ईश्वर की संतान, नहीं किसी के और गुलाम। ईश्वर की संतान, नहीं किसी के और गुलाम, नहीं किसी के और गुलाम। ब्रिटिश सेना के लिए इतने घने जंगलों में जाने का यह पहला अवसर था। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कई तरह के नए नए उपाय किए। एक बार तो उन्होंने 50 हाथियों को शराब पिला दी। हाथी पागल हो गए। इन पागल हाथियों को आदिवासियों के गांवों की ओर छोड़ दिया गया। इन हाथियों ने सैकड़ों औरतों और बच्चों को अपने पैरों तले रौंद डाला। संथालों को युद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका आता था, आमने सामने का सीधा युद्ध, चालाकी से युद्ध की योजनाएं बनाना और लुक छिप कर लड़ना उन्हें आता ही नहीं था। वे तो चुपचाप एक समूह में इकट्ठे होकर खड़े हो जाते और शत्रु के आने का इंतजार करते रहते। जब शत्रु सामने आ जाता तो वे तीर पर तीर छोड़ने लगते। शत्रु जमकर बंदूकों और तोपों से उन पर गोलियां और गोले बरसाते। किंतु गोलियों और आग से डरकर पीछे हट जाना तो मानो उनके स्वभाव में था ही नहीं। संथाल लोग अपने अपने मोर्चों पर तब तक डटे रहते जब तक या तो ये लोग शत्रु सेना को न मार डालें या स्वयं शहीद न हो जाएं। कई अंग्रेज सैनिकों ने संथालों के इस सीधे सादे व्यवहार के बारे में दूसरों को बताया भी है। इन लोक प्रचलित कहानी किस्सों के आधार पर संथाल लोगों के वीर चरित्र के बारे में बाद में इतिहासकार हंटर ने अपने इतिहास में लिखा भी है। एक ब्रिटिश कप्तान ने तो यहां तक कहा है कि इस लड़ाई में शायद ही ऐसा कोई ब्रिटिश सिपाही रहा हो जिसे इन निश्चल सीधे सादे और निहत्थे संथालों से युद्ध करते हुए शर्म न महसूस हुई हो। ब्रिटिश सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि जैसे ही उन्हें कहीं कोई गांव दिखाई दे वे अचानक उस पर धावा बोल दें। जंगल इतने घने थे
कि उनमें बसे गांवों को खोज पाना बड़ा कठिन काम था। इसलिए आक्रमणकारी सेनाओं को यह तरीका सुझाया गया था, वृक्षों की चोटियों की ओर देखते रहो, जब तुम्हें इनमें से होकर धुआं ऊपर उठता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि इन वृक्षों के नीचे ही कहीं कोई गांव बसा हुआ है। टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौजें एक गांव में जा पहुंची। गांव वालों ने भी आओ देखा न ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। एक घर से तो तीर पर तीर छूटते ही चले आ रहे थे। फौज के जवानों ने इस घर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने घर की दीवारों में छेद करके उनमें अपनी बंदूकों की नलियां सटा दी और धुआंधार गोलियां दागने लगे। जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने घोषणा की, अब तुम लोग बाहर निकल आओ और स्वयं को हमारे हवाले कर दो। लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई, बस तीर पर तीर आते रहे। अंग्रेज बार बार कहते कि आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन जवाब में सिर्फ तीर ही आते। यह सिलसिला कुछ देर तक और चलता रहा। जैसे जैसे गोलियों की मार बढ़ती गई, भीतर से तीर आने भी कम होते गए। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि भीतर से केवल एक ही तीर जवाब में आने लगा। लेकिन यह क्या, अब तो वह तीर भी आना बंद हो गया। सिपाहियों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और घर में घुस गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग मरे पड़े हैं। कुछ लोग कराह रहे हैं और धीरे धीरे दम तोड़ते जा रहे हैं। इन लोगों में अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जिंदा बचा था। वह आदमी लाशों के अंबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। यह वही आदमी था जिसने आखिरी तीर चलाया था। उस आदमी की दाहिनी बाजू छलनी छलनी हो गई थी। अब तो वह भी मजबूर हो गया था। तीर चलाता भी तो कैसे? फौज का कप्तान उस
बूढ़े आदमी की ओर लपका और चीख उठा, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन अभी उस आदमी का दायां हाथ ही तो बेकार हुआ था, बायां तो सही सलामत था। बूढ़े आदमी ने तत्काल अपना खंजर खींच लिया और देखते देखते फौजी कप्तान का सिर धड़ से कटकर जमीन पर आ गिरा। अपने कप्तान की मौत पर फौज भड़क उठी और क्रोध के मारे उस बूढ़े पर धुआंधार गोलियां बरसाने लगी। अब यह बूढ़ा आदमी भी शवों के ढेर पर गिर पड़ा। संथाल लोगों की आजादी की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी थी। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास मौन है। क्या इस आदमी को हम कोई नाम नहीं दे सकते? आखिर कोई नाम तो दिया ही जा सकता है। इस आदमी का नाम हो सकता है शूरवीर। वह आदमी जिसने आखिरी तीर चलाया, अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठ का आदर्श वाचन। विषय सहयोग डॉक्टर सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता, ध्वनिंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।